I greet you in the wonderful name of Jesus. I pray that God will bless you and your family during this Christmas season. Now, today we have a special Christmas broadcast for you.

Pastor Naveed and I are going to come back and we're going to share with you a special message today about Christmas. Naveed bhai and So sister symbol Noreen would you come now and with your message and song and let us hear it. Sister symbol Noreen kya ye mumkin hai ke please aap aaiye और इस गीत को पेश करें mm, mm, mm. फल भी जमी से गले मिल रहा है भी जमी से गले मिल रहा है के हर के मसीहा मसीह सदा Thank you so much, Sister Simbal Noreen. We appreciate that. Sister Simbal Noreen, You know, one of the things that I love about the Christmas season is the music. Now, where I live, there's lots of music during the Christmas season. जहां मैं रहता हूं वहां मसीह की वलादत की ईद पर बहुत सी मौसी और गीत होते हैं और पूरा माहौल खुशी से झूम रहा होता है सो आई लव क्रिसमस सीजन लिहाजा मसीह की वलादत का मौका मुझे बहुत पसंद है नाउ आई बिलीव दिस क्रिसमस may बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्रिसमस seasons एवर इन हिस्ट्री मैं समझता हूं कि मसीह की वलादत की अब की बार जो ईद है तारीख इंसानी में सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन मौका हो बिकॉज क्योंकि यह साल बहुत बहुत मुश्किल साल गुजराविटीन डिजीज स्प्रेड अराउन दर्ल्ड ये कोविड 19 जो मर्ज है पूरी दुनिया में फैल गई एंड it's अफेक्टेड everyone. और हर किसी को मुतासर किया यू नो दिस डिजीज इज नो रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन ये मर्ज यह नहीं देखती कि कौन बड़ा और कौन छोटा है आई आई हैव सीन फ्रेंड्स ऑफ हु डाइड मैंने अपने दोस्तों को इसकी वजह से मरते देखा जस्ट लास्ट वीक वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स डाइड फ्रॉम दिस डिजीज अभी गुजरे ही हफ्ते मेरा निहायत ही अजीज दोस्त इस मर्ज के सब से मर गया I have had five people who I am close to who have died from this disease. मेरे अकरबा में से पांच ऐसे लोग हैं जो इस मर्ज की वजह से मर गए. My sister died in July from this disease. जुलाई में मेरी अपनी बहन इस मर्ज से हलाक हो गई. And and so this has been a difficult time. तो ये बड़ा मुश्किल वक्त रहा है एंड सम ऑफ यू योर हार्ट आर हर्डिंग राइट ने आप में से कुछ के दिलू को इस वक्त चोट लगी हुई है एंड यू यू मे बी एस्ट क्वेश्चन जॉय तो आप शायद ये सवाल पूछते हूं कि वो खुशी कहां है वही गुड न्यूज फॉर यू मेरे पास आपके लिए खुशी की खबर है गॉड विल गिव यू ग्रेट जॉय खुदा आपको बड़ी खुशी बख्शेगा गॉड विल गिव यू ग्रेट पीस खुदा आपको बड़ा इत्मीनान बख्शेगा। I can tell you that I have that peace and I have that joy in the midst of my suffering. मैं आपको बता सकता हूं कि अगरचे मैं बहुत से दुखों से दो चार हूं लेकिन फिर भी मेरे दिल में खुशी और इत्मीनान है। and You may be asking, how can you have peace and joy in the middle of suffering? शायद आप कहेंगे कि आप इतने दुखों से दो चार हैं तो फिर भी आपको खुशी और इत्मीनान क्यों कर हासिल है? the answer to that question is in the christmas story. It, it is the answer is in what happened 2,000 years ago when jesus came to this earth. now i want to read to you the story of, of that first christmas from the bible. वो जो पहली मसीह की वलादत की ईद थी उसकी दास्तान बाइबल मुकदस से मैं तलाबत करने को हूं चरवाहू का ऐसा ग्रोह जो भेड़ू की रखवाली करता था उन पर कुछ फरिश्तों का जहूर हुआ to to चाहता हूं कि इन आयात को आपके लिए पढ़ू कि जब वह फरिश्ते आए तो क्या हुआ मैं दो बाब और उसकी दस से चौदह तक तलाबत करूंगा किताबे मुकद्दस में लिखा है मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है यानी मसीह और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और यह कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो Now, when these angels came and appeared to the shepherds, their hearts were filled with fear. The shepherds' hearts were filled with fear. गए, गए। now, you just imagine that you're one of those shepherds. <laughs> देखिए तस्वर तो कीजिए कि अगर आप उन चरवाहों में से एक होते and कोई वैसी बात नहीं जैसा कि आप हर रोज अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं आज भी कर रहे हैं एंड सो दाम एंडोर यू तो आपके सामने फरिश्ते आकर जाहिर होते हैं आपके सामने

that many of us are in that same situation today an angel has not appeared to us but the disease has appeared to us and is brought with it death and none of us know what is our future और हम में से कोई भी नहीं जानता था कि मुस्तकबल में क्या होगा वट्स गोइंग हैपन टू अस हमारे साथ मुस्तकबल में क्या होगा एंड मेनी बाय हार्ट आर फिल विथ फियर और हम में से बहुतों के दिल खौफ से भरे थे बट दी एंजल स्पोक टू द शेपर्ड्स लेकिन फरिश्तों ने चरवाहों से कलाम किया एंड से डू नॉट बी अफ्रेड और कहा कि डरो मत For unto you today is born in the city of David a Savior. And oh, I tell you, this is good news. And oh, I tell Because whatever your future is. life or death, Health or sickness. Bimari ya there has been a Savior who has come to this world. Ek hai jo is mein he has come to bring healing and forgiveness and salvation to all the world. For come to bring world or health and salvation.

और क्यों हमें एक निजात धंधा की जरूरत है बिकॉज क्योंकि हम सब ने गुना किया एंड कार इज अली गाड और खुदा पाक खुदा है एंडलीप विधोमैन और एक पाक खुदा एक गुनागार शख्स के साथ रफाकत नहीं रख सकता बिकॉज कार इज एब्सोलूट प्योरिटी क्योंकि खुदा मुकम्मल तौर पर पाक है But this is the good news. Lekin hai God loves you. Khuda aapko karta hai. God loves your family. God loves you so very much Khuda aapko itna zyada karta hai. that He would send His only Son to come yes. into this world. कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया एंड लिव अ सिनलेस परफेक्ट होली लाइफ और उसने पाक और बेगुना बेऐब जिंदगी गुजारी एंड देन टू डाई ऑन अ रोमन क्रॉस और फिर एक बड़े रोमी सलीब पर बड़ी जालमाना मौत मरा एंड व्हाई डिड ही डाई ऑन द क्रॉस तो वो क्यों सलीब पर मरा टू टेक द पनिशमेंट फॉर योर सिंस ताके वो आपके गुनाहों की सजा खुद ले लेकिन ताकि वो मेरे गुनाहों की सजा ले ले। Because he loved us. वो हमसे प्यार प्यार करता। ऐसा कोई शख्स उतना प्यार नहीं करता जितना ने हमसे किया इवन सिन अगेंस्ट एंड यू सिन अगेंस्ट हेम अगर आपने उसके खिलाफ गुनाह किया ही वो फिर भी र, राजी हो गया इस धरती पर आने के लिए एंड क्लोथ हेम सेल्फ विध ह्यूमन फ्लैश और इंसानी लबादा ओडा no जिंदगी गुजारी जैसे किसी ने नहीं गुजारी ही लिव्ड अ परफेक्ट सिनलेस होली लाइफ उसने पाक बेऐब और मुकद्दस जिंदगी गुजारी एंड देन टू पे द अल्टीमेट

आपके लिए और मेरे लिए पैदा हुआ वन हु कैन रिडीम अस अस एंड सेव फ्रॉम द पनिशमेंट दैट वी डिजर्व ऐसा जो मुझे और आपको उस सजा से बचाता है जिसके मैं और आप लायक थे दैट्स व्हाई क्रिसमस इज सच अ वंडरफुल सीजन

I want to ask you this question. If you were to die right now, were to right now, if you were to get COVID right now, do you have the assurance you would go to heaven? My sister had that assurance. मेरी जो बहन थी उसके पास ये यकीन दहानी थी एंड इज गुड न्यूज और ये है खुशखबरी अगो दो 2000 वर्ष बेस्तर एक निजात दहदा पैदा हुआ एंड माय सिस्टर इज इन प्रेजेंस ऑफ गॉड राइट नाउ और मेरी बहन इस वक्त खुदा की हजूरी में है you say, आप कहेंगे सैमी आपको कैसे मालूम द बाइबल सेज ही हु हैज द सन स्पीकिंग ऑफ जीसस हैज द लाइफ एंड ही हीज नॉट हैव द सन डज नॉट हैव द लाइफ बाइबल मुकद्दस में आया है कि वो जिसके पास बेटा है यानी यसू उसके पास जिंदगी है और वो जिसके पास बेटा नहीं यानी यसु नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं इसी मोर देन फिफ्टी इयर्स अगो आई वाज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट

यूं एक खानदान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक मुंतकिल होता गया he didn't have a good like I had. ना ही मेरी तरह उसकी कोई अच्छी तालीम थी But he had I didn't have. लेकिन उसके पास कोई ऐसी बात थी जो मेरे पास नहीं थी उसके पास खुशी थी और अपने दिल में इत्मीनान था और उसकी जिंदगी मकसद थी And he said it came from Jesus Christ. And he said, if you want to know Christ, you can have Christ in your life. And that night, I prayed and I put my faith in Jesus and I followed him. उस रात मैंने यसू पर ईमान लाया दुआ की और यसू के पीछे हो चला and he my heart with his और उसने अपने रूस से मेरे दिल को भर दिया and there was joy, and there was peace. फिर एक खुशी मेरे दिल में आई और इतमान आ गया एंड आई फैंडर और मुझे निजात दहंदा मिल गया एंड आई वॉन्वरी

और खुदा ने उसके जीवन को बदल दिया तो भर जरा गरीब सी रही she lived in another city from me. वो मेरे शहर में नहीं बल्कि एक और शहर में रहती थी लेकिन आप देखते हैं कि खुदा ने उसकी जिंदगी में बड़ा गहरा काम किया एंड

उन्होंने कहा कि अगरचे वो बीमार थी कमजोर थी कुवत नहीं थी लेकिन फिर भी दूसरे लोगों के लिए वो दुआ करती थी एंड व्हेन शी वाज इन द हॉस्पिटल डाइंग और जब वो बिस्तरे मर्ग पर मर रही थी अस्पताल में द नर्सेस वुड कम टू द कम टू हर एंड से ओ वी वांट टू हेल्प यू वी वांट टू प्रे फॉर यू नर्से उसके पास आकर कहती कि हम आपकी मदद करें हम आपके लिए दुआ करें एंड माय सिस्टर सेड ओ आई एम ओके

So you see, I have peace today that my sister is with God. She is with Jesus right now. You see, when the angels appeared to those shepherds at that first Christmas,

तो आप जानते हैं कि आपके दिल में कौन सा गीत होगा इट बी वी दूसरे वो गीत होगा जो इन फरिश्तों ने मसीह की वलादत के उस पहले मौका पर गाया ग्लोरी टू गायाद इन दाइस्ट आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो एंड यू विल हैव पीस नॉट ओनली ऑन द अर्थ बट इन योर हार्ट और आपके दिल में और सुकून होगा सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं आपके दिल में देखिए इस दुनिया में तो वैसा नहीं होगा जो हमारे अपने दिल में होगा। And that's what the angels declared. और ये है जिसका ऐलान फरिश्तों ने किया बिफोर uh, Christ, जब मैं मसीह के पास आया तो उससे पहले मैंने Mein New York ke mein study ki. And I entered an international public speaking contest aur mein aam per mein hua. And I was awarded Most Outstanding news Speaker in North America. Aur jitne bhi mein the, mein se mujhe award and I traveled around the United States and Canada speaking about peace in the world. यूं, मैं कनाडा में भी और अमेरिका में भी जाता रहा और दुनिया में इत्मीनान और अमन की बात करता रहा लेकिन एक प्रॉब्लम थी हार्ट मेरे अपने दिल में कोई इत्मीनान नहीं था एंड दैट नाइट नाइट जीसस और उस रात जब मैंने यसू की बाबत सुना और यसू से मुलाकात हुई माय लाइफ I found peace in my heart. You see, the reason there can be peace in the world is because we can have peace in our hearts. And the reason many of you don't see peace and don't have peace is because you've not found the Savior yet. और शायद आपको इतमान और सुकून नजर नहीं आता इसलिए कि आपने अभी तक निजात को नहीं पाया बट आई वॉन्ट से आज मैं आपको यह बहुत बड़ी अहम बात करना चाहता हूं चीज डिन जस्ट डाई फॉर अ फ्यू पीपो यसू सिर्फ चंद लोगों के लिए मर नहीं गया He didn't die just for डाई जस्ट फॉर ए ग्रुप ऑफ particular इन part वन the world. यसु दुनिया के एक खास किस्म के तबके के लोगों के लिए नहीं मर गया ही died फॉर ऑल पीपल वो तमाम लोगों के लिए मर गया He died for you. वो आपके लिए भी मर गया आपके खानदान के लिए भी मर गया, भी मर गया। And the news द न्यूज इज इवन बेटर और जो जिंदगी है वो मौत से अब बहुत बेहतर है जीसस रोज फ्रॉम द ग्राइव यसु मर गया और मुर्दू में से जी उठाइज और वो जिंदा है, है। इसीलिए तो मेरे दिल में बड़ी खुशी है बिकॉज जीज से क्योंकि यसू ने यह ये अल्फाज कहे ही यू बिलीव इन मी वो जो मुझ पर ईमान लाता है Though he were dead, yet shall he live. My sister is alive. <laughs> My friends who died of COVID are alive. Why? Because a Savior was born. For them? <laughs>

that he is the Son of God who loved you and died for you and rose from the grave for you. Open your heart to him. Embrace him by faith. And he will give you that peace. And you will have the assurance you're going to heaven. और आपके पास ये यकीन दहानी होगी कि आप आसमान पर जाएंगे आई नाउ like right मैं इस वक्त आपके लिए दुआ करना चाहूंगा मैं दुआ करूंगा खुदा आपकी ज़िंदगियों को छू ले दैट गॉड विल डू अ मिरेकल इन योर हार्ट और मैं दुआ करूंगा कि खुदा आपके दिल में मौजजा करे दैट ही कि आपने जो भी पाप किए हैं आपकी जिंदगी से उनको दूर कर दे देजात बख्शेट फॉर यू और जब मैं आपके लिए दुआ कर लूंगा आई वॉन्ट इनवाइट यू विद मे तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे साथ मिलकर दुआ करें सो वु यू जस्ट इन स्पिरिट ऑफ रेबर क्लोज माईज इन बै माई राइट ना

Thank you for your love. Thank you for sending Jesus to this earth. Thank you for his death, burial, and resurrection. مرنے, and I pray for every person who's listening to this message. I pray they would trust in Jesus as their Savior. खुदाबन मुमकन फरमाइए कि वो यस्सू को अपने निजात कबूल करें थैंक यू फॉर वॉचिंग शुक्र हो जो आप इनकी जिंदगी में करने को है क्योंकि के नाम से मैं ये दुआ मांगता हूं अब आप मेरे पीछे पीछे ये अल्फाज कहें बड़ी संजीदगी से और ईमान के साथ जस्ट दीज वर्ड्स डियर फादर अल्फाज मेरे पीछे पीछे कहें डियर फादर प्यारे आसमानी बाप आई नो आई sinned. मैं जानता हूं कि मैंने गुनाह किया प्लीज गिव मी मेहरबानी से मुझे मुआफ फरमाए मुझे निजात बख्शे हाई बिल्लीस ये सो मेरा आप पर यकीन है आप निजात दहंदा है माई हार्ट मेरे दिल में आ जाइए चेंज माई लाइफ मेरी जिंदगी को बदल दीजिए आई लव यू जीजस यसु मैं आपसे प्रेम करता हूं थैंक यू फॉर साइविंग मई शुक्र हो कि मुझे निजात बख्शी है आई लव यू मैं आपसे प्यार करता हूं इन जीस नाम से amen 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 if you, prayer, if you prayed that prayer god heard you and god will bless you i want to encourage you to do some things talk to god every day you don't need me or pastor nabi for you to be able to talk to god ना तो आपको मेरी जरूरत है या नवीद की आपके आप के लिए वो खुदा से बात करें यू कैन टॉक टू गॉड आप खुदा से बात कर सकते हैं क्योंकि ने आपके लिए राह तैयार की कि आप खुदा को जान सकें फ्राइ इन फेथ इन जीजस एंड यू कैन टॉक टू गॉड एवर डाई लिहाजा यस्सू के नाम में खुदा से दुआ करें और यू हर रोज आप ये दुआ जारी रख सकते हैं Secondly, read the Bible. दूसरी बात यह बाइबल मुकदस की तलावत करेंट अगर आपके पास बाइबल मुकदस नहीं तो आप किसी चर्च में जा सकते हैं और वो आपको बाइबल देंगे और यू कैन On this platform right here where you're watching this, you can come back daily and there will be th teachings about the Bible. Aur rozana in sessions mein now I have a website that is in Urdu. Meri ek website hai, jo Urdu mein hai. It's sammitippit urdu.com. Or is hai Sammy

तो हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे in और उम्मीद है कि आप मकामी में या ईमानदारों की एक जमात के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे ताकि आप बढ़े और किसी को बताएं कि मैंने मसीह की वलादत के हकीकी माना को जान लिया है God bless you. खुदा आपको बरकत दे family. खुदा आपके खानदान को बरकत दे मेरी वंडरफुल न्यू ईयर ईद मसीह आपको बहुत बहुत मुबारक हो और नया साल भी मुबारक हो के हर सु मसीहा मसीहा सदा है